दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक बड़ा सा रेगिस्तान दिखाया जाता है जो कि असल में किसी जगह थी जहाँ पर अमेरिका से बाहर निकाले गए लोगों को छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर कोई कानून और कोई लॉ नहीं था। इस जगह का नाम था बेड बेच और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़ा जाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ क्राइम किया हो। फिर हम एक अर्लिन नाम की एक यंग लड़की को देखते हैं जिसके गले पर टैटू के रूप में कुछ नंबरों को लिखकर उसे भी बेड बेच में छोड़ देते हैं। और ये लड़की अब पहुँच गई थी एक बड़े से रेगिस्तान में जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अर्लिन के पास में सिर्फ एक पानी की बोतल थी और एक बैग था। फिर अर्लिन को ज़मीन पर एक पेपर मिलता है जिस पर ये लिखा हुआ था कि फाइंड द ड्रीम फॉर द कम्फर्ट। और रास्ते में आगे अर्लिन को एक पुरानी कार भी दिखाई देती है जिससे कि वो धूप से बचने के लिए उसमें बैठ गई थी। जिसके कुछ समय के बाद में वो देखती है कि दो लोग एक गोल्फ कार्ट से उसी की तरफ आ रहे थे। अर्लिन उनसे भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उनसे नहीं बच पाती। और फिर जब अर्लिन की नींद खुलती है तो वो पाती है कि उसके हाथ पैर और मुँह जंजीरों से बंधे हुए हैं। अर्लिन अपनी मदद के लिए आसपास किसी को ढूंढती है और वो देखती है कि आसपास की चीज़ें लोगों द्वारा फेंके गए कचरे से बनी हुई थी। वहाँ पर एक औरत भी थी जो कि बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। तभी अर्लिन के पास में कोई आकर उसके हाथ में एक एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देता है और कुछ ही सेकेंडों में उसका हाथ काम करना बंद कर देता है। जिसके बाद में एक औरत अपने हाथ में एक आरी लेकर उसके पास में आती है और उसके एक हाथ को आरी से काट देती है। अर्लिन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी लेकिन वो औरत आरी से उसके हाथ को काट कर अलग कर चुकी थी। जिसके बाद में वो औरत उसका एक पैर भी आरी से ठीक इसी तरह काटकर अलग कर देती है। और अर्लिन को ये पता लगता है कि ये लोग इंसानों को खाने वाली एक कम्युनिटी के लोग हैं जो कि उसके हाथ और पैर को अपना खाना बनाकर खा चुके थे। अर्लिन का अब बस एक हाथ और एक पैर ही था जिससे वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे कुछ दिनों तक यहीं पर रखा जाता है जिसके दौरान उसे लगातार यहाँ पर किसी न किसी के चीखने की आवाज़ें रोज आती थी जिन्हें कैनिबल कम्युनिटी के लोग काट काट कर खाते हैं। फिर अर्लिन भी ये ठान लेती है कि वो यहाँ से जरूर भागकर बाहर निकलेगी। और एक दिन ऐसा आता है जब उस कैनिबल लेडी को ये लगता है कि अर्लिन का एक हाथ और एक पैर नहीं है और वो यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकती। वो उसके हाथ पैर को खोलकर उसे घसीटकर बाहर लाती है और वो उसे साफ करने के लिए अब पानी लेने गई हुई थी। इसी बीच अर्लिन को पास में से एक बड़ी सी लोहे की रोड मिलती है जिससे वो अपने नीचे छुपा लेती है। और जैसे ही वो लेडी वापस आती है तो उसे अर्लिन रोड से पीट पीट कर उसका खेल ख़त्म कर देती है। जिसके बाद में अर्लिन अपने शरीर को घसीटते हुए सब दूर नज़रें दौड़ा रही थी ताकि उसे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मिले जो कि उसे भागने में मदद करे। और वहाँ पर कचरे में से उसे एक स्केटबोर्ड मिल जाता है जिस पर वो खुद के शरीर को रखकर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही थी। और वो इस कैनिबल कम्युनिटी से भागकर निकल जाती है। लेकिन बीच रेगिस्तान में तपते हुए सूरज के नीचे अब उसकी हिम्मत टूट गई थी और अब वो ये भी मान लेती है कि वो भूख और प्यास से यहीं पर मर जाएगी। उसके आसपास मौजूद कौवे उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो उसे खा सके। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी उसे ऐसी हालत में देखकर अपने साथ उसे एक ट्रॉली में रखकर दूसरी कम्युनिटी कम्फर्ट में ले आता है जहाँ पर अर्लिन 5 महीनों तक रहती है और वो इसी को अपनी ज़िंदगी मान लेती है। यहाँ के लोगों ने अर्लिन को एक प्रोस्थेटिक लेग यानी कि नकली पैर दिया था जिससे कि वो चल पा रही थी। और एक कम्फर्ट कम्युनिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे और यहाँ इनकी अलग ही दुनिया थी। लोग अलग अलग जॉब करते थे और ये पूरी कम्युनिटी लोगों के द्वारा फेंके गए वेस्ट कचरे से बनी हुई थी। दूसरी ओर हमें एक मायामी मैन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरी कम्युनिटी में रहता था और ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ये एक यंग लड़की को उसकी गर्दन मरोड़कर मार देता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर अपनी फैमिली को इस लड़की का मांस खिलाता है। ये सीन यहीं पर कट होता है और अर्लिन आईने में देखकर ये सोचती है कि क्या यही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी से कुछ और ही चाहा था और अब उसे कम्फर्ट कम्युनिटी में रहना ठीक नहीं लग रहा था। फिर एक दिन अर्लिन एक बंदूक को अपने साथ रखती है और वो कम्फर्ट कम्युनिटी से नई ज़िंदगी की तलाश में निकल गई थी। उसे रास्ते में एक कचरे के ढेर के पास में एक औरत अपनी बच्ची के साथ कचरे में से कुछ बीनती हुई दिखाई देती है जो कि उसी मायामी मैन की फैमिली थी। और ये औरत वही थी जिसने अर्लिन के पैर और हाथ को काटा था। अर्लिन उस औरत से पूछती है कि क्या उसकी बेटी भी उसी की तरह मांस खाती है। जिसके जवाब में वो औरत उसे बस इतना कहती है कि वो बस जिंदा रहने के लिए ऐसा करते हैं। और फिर ये सुनकर अर्लिन उसे वहीं पर गन से मारकर उसकी बेटी को ये कहती है कि उसका यहाँ पर अब कोई नहीं है। अर्लिन को उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा था और इसीलिए वो उसे अपने साथ कम्फर्ट कम्युनिटी में वापस ले आई थी जहाँ पर वो उस बच्चे को एक खरगोश लेकर देती है ताकि उसे अपनी माँ की याद ना आए। और इधर ये मायामी मैन अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। वो अगले दिन अपनी फैमिली को ढूंढने जाता है जहाँ पर उसे कचरे के ढेर के पास अपनी पत्नी की लाश मिलती है। जिसके पास ही में उसे एक आदमी मिलता है जो कि वही कचरे में कुछ ढूंढ रहा था। और ये आदमी वही था जो कि अर्लिन को कम्फर्ट ले गया था। मायामी मैन उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाकर उसे पूछता है कि क्या उसने इसे देखा है।
और वो आदमी कहता है कि वो उसे बस एक ही शर्त पर बताएगा, अगर उसने उसका भी एक ऐसा स्केच बनाकर दिया तो। फिर मायामी मैन उसे उसका स्केच बनाकर देता है, जिसके बदले में वो आदमी उसे उसके बेटे का स्केच पर ये लिख कर देता है फाइंड कम्फर्ट, जिसका मतलब ये था कि वो कम्फर्ट में है। इधर अर्लिन और मायामी मैन की बेटी दोनों अच्छे से रहते हैं और वह एक स्ट्रीट पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे और जल्दी ही पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में एक आदमी की एंट्री होती है जिसे सभी लोग हेडमास्टर बोलते थे और ये कम्फर्ट कम्युनिटी के एक ग्रुप द ड्रीम का लीडर था। हेडमास्टर लोगों से ये कहता है कि उन्हें इस रेगिस्तान में इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो समाज के लिए किसी काम के नहीं थे और इसलिए उन्हें भी अब ड्रीम में आना चाहिए जहाँ पर उन्हें सब ऐशो आराम मिलेगा। अर्लिन ये सोचते कि आखिर ड्रीम में ऐसा क्या है और उसे ड्रीम में जाने के लिए एक लड़की उसे एक पिल को खाने को कहती है जिसे अर्लिन खा लेती है और अर्लिन को थोड़ा नशा होने लगा था। पार्टी के बीच में अर्लिन के साथ वाली बच्ची उससे बिछड़ गई थी जो कि हेडमास्टर के पास पहुंच जाती है और हेडमास्टर उस बच्ची को उसके खरगोश के साथ में द ड्रीम में ले गया था। अर्लिन पूरी तरह से नशे में थी लेकिन उसे पता लग गया था कि वो बच्ची खो गई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नशे में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो बच्ची को ढूंढते ढूंढते कम्फर्ट से बाहर जाती है और रात के अंधेरे में उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास में है। फिर अगले दिन जब अर्लिन की नींद खुलती है तो उसके सामने मायामी मैन खड़ा था और वो उसे बताता है कि वो नशे की हालत में कम्फर्ट से बहुत ज़्यादा दूर निकल आई है। मायामी मैन उसे भी अपनी बच्ची का फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन अर्लिन उसे झूठ बोल देती है कि उसे उसकी बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। अर्लिन अपने नकली पैर के बिना नहीं चल सकती थी और मायामी मैन उसे कहता है कि वो उसे उसका पैर तभी लौटाएगा जब वो उसे कम्फर्ट तक ले जाएगी और उसकी बच्ची को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। अर्लिन ऐसा करने के लिए मान जाती है और दोनों बच्ची को ढूंढने के लिए निकल गए थे, जहाँ पर रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो मायामी मैन को पेट्रोल ऑफर करता है और कहता है कि उसे इसके बदले में अर्लिन का नकली पैर चाहिए था। मायामी मैन नहीं चाहता था कि वो उस आदमी से भिड़े और वो उसे पूरी की पूरी अर्लिन को ही दे चुका था। वो आदमी अपने साथ अर्लिन को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था और पीछे से मायामी मैन उसकी ओर एक चाकू फेंककर उसे तुरंत मार देता है, जिसके बाद में दोनों वो उस आदमी की मोटरसाइकिल से आगे बढ़ते हैं और रात में गुफा में रुकते हैं, जहाँ पर अर्लिन उससे पूछती है कि वो बेड बेच में क्यों आया, यानी कि उसे यहाँ पर इस रेगिस्तान में क्यों छोड़ा गया। और बातों ही बातों में अर्लिन उससे उसका चाकू छीनकर उसे मारने की धमकी दे रही थी। मायामी मैन उससे नहीं डरता और उसके करीब आता जाता है और वो उसके इतना ज़्यादा करीब आ गया था कि माहौल पूरा रोमांटिक हो चुका था। और इसी रोमांटिक माहौल में अड़चन डालने के लिए कम्फर्ट कम्युनिटी का एक आदमी पहुँचता है जो कि मायामी मैन के सीने में एक गोली मारकर अर्लिन को यहाँ से बचाकर कम्फर्ट में वापस ले जाता है। अब अर्लिन सही सलामत कम्फर्ट पहुँच चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों अर्लिन को अब कम्फर्ट की यह खुशहाल दुनिया अच्छी नहीं लगती है। उसे मायामी मैन और उसकी बेटी के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसने उसकी माँ को मार डाला था। और अगले ही दिन अर्लिन कम्फर्ट से भागकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो मायामी मैन को छोड़कर आई थी। पिछली रात को मायामी मैन को एक गोली लगी थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं था और यहाँ पर अर्लिन को सिर्फ उसका स्केचपैड नज़र आता है, जिससे वो अपने साथ में वापस कम्फर्ट में ले आती है। अब इधर वो आदमी जिसका स्केच मायामी मैन ने बनाया था उससे मायामी मैन ज़मीन पर घायल मिलता है और वो उससे अपने साथ ले जाकर उसकी जान बचाता है। और यहाँ पर अर्लिन को मायामी मैन के स्केच में उसकी बच्ची का फोटो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल होती है। वो उस स्केच की कॉपीज निकालकर उसे पूरे कम्फर्ट कम्युनिटी में ढूंढ रही थी, लेकिन उस बच्ची के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। अर्लिन घंटों तक उसे ढूंढ रही थी और उसे वो बच्ची एक लड़की के साथ में जाती नजर आती है जो कि ड्रीम में जा रही थी। और फिर अर्लिन भी ड्रीम की ओर उसके पीछे पीछे चली जाती है। उसे पता लगता है कि ड्रीम एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर सभी ऐशो आराम की चीज़ें हैं और यहाँ पर औरतों के लिए बाहर से ज़्यादा सुविधा है। अर्लिन ये भी पता लगाती है कि इनका मेन धंधा ड्रग से चलता है जो कि यहाँ की लड़कियाँ इलीगल चीज़ों से बनाती है। जिसके बाद में अंदर अर्लिन को हेडमास्टर मिलता है जो उसे बताता है कि ड्रीम ही कम्फर्ट को चलाने के लिए पैसे देता है। वो अर्लिन से कम्फर्ट को न पसंद करने का कारण पूछता है और बताती है कि उसने यहाँ पर अपना हाथ पैर सब कुछ खो दिया और उसे बस अपनी दुनिया में वापस लौटना है, जिस पर हेडमास्टर उसे कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए और ड्रीम में शामिल हो जाए जहाँ पर उसे सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। अर्लिन ड्रीम को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि ऐसा करने से उसे मायामी मैन की बच्ची को ड्रीम से बाहर लाने का मौका मिल जाएगा। फिर ड्रीम में आने के बाद में अर्लिन बाथरूम में जाकर अपना नकली पैर निकालती है जिसमें उसने अपनी गंध को छुपाया हुआ था। वो हेडमास्टर की पत्नी को बाथरूम में बुलाती है और वो देखते कि हेडमास्टर की वाइफ प्रेग्नेंट है। वो उसे गन की नोक पर बंदी बनाकर लाती है और हेडमास्टर के पास जाकर ये कहती है कि वो उस बच्ची को छोड़ दे
नहीं तो वो उसके होने वाले बच्चे को मार देगी। और फिर वो हेडमास्टर उस बच्चे को अरलिन को देकर अपनी पत्नी को बचाता है, और अरलिन उसकी पत्नी के जरिए उस बच्चे को लाकर वहाँ से निकल जाती है। अरलिन बीच रास्ते में जाकर हेडमास्टर की पत्नी को छोड़ देती है, जैसा कि उसने हेडमास्टर से वादा किया था। और फिर कई घंटों तक चलने के बाद में फाइनली वो दोनों मायमी मैन से मिलते हैं। बच्चे अपने पिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसे अपने दोस्त खरगोश से मिलाती है। फिर मायमी मैन और ये बच्ची दोनों अरलिन को छोड़कर अपनी कम्युनिटी में वापस लौट रहे थे, क्योंकि अरलिन वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी अरलिन मायमी मैन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ये सभी साथ में हैं। मायमी मैन ने उस बच्चे के प्यारे खरगोश को मारकर पका दिया है, जिसे वो रोते रोते खा रही थी, और अब ये तीनों एक फैमिली बन गए थे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें।